जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज पिलावल में एक दुखद घटना हुई है। मुहर्रम को लेके मिलाद चल रहा था और मिलाद के दौरान एक घर में छत गिर गया। छत गिरने से कई महिलाएं जो हैं वो घायल हो गई और अभी अभी सदर अस्पताल में भर्ती हुई हैं। बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो इनको रेफर भी किया जा रहा है। कौन वहाँ के कोई लोग हैं आप? हाँ, आप बताइए ना। हाँ, क्या हुआ? हम बेड पर नहीं थे वहाँ। हाँ मुखिया जी, क्या हुआ घटना जो है बिलावल में? ऐसे वहाँ हम तो मौजूद नहीं थे। हाँ। हादसा होने के बाद पता चला तो गए थे, तो कुछ औरतें लोग छत पर चढ़ी हुई थी जो जर्जर हालत में था, और लगभग हमको लगता 15-20 औरतें चढ़ी होंगी। जर्जर हालत में था वो पुराना मकान, तो वही छत गिरी है। तो कितने लोग थे और कितने लोग घायल हुए? हम तो नजर से देखे नहीं हैं। हाँ। लेकिन एक अंदाज बता रहे कि 15-20 चढ़ी होगी। 8x10 का रूम था उस छत्ता पर, वो पूरे छत्ता ही नीचे गिर गया। तो अभी जो भी लोग घायल हुए हैं वो यही अस्पताल में अभी आए हैं, और बहुत लोग यहाँ पे जो है वो भीड़ लगाए हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे देखने के लिए भी आए, मिलने भी आए हैं समाजसेवी, जो मुन्ना सिंह जी हैं वो भी आए हैं यहाँ पे। क्या देखा आपने यहाँ पे आके? देखिए, हमें सूचना मिली कि पिलावल में मिलाद के कार्यक्रम था, वहाँ पे एक छत गिर गया। छत पे महिलाएं काफ़ी थी, तो उसमें मालूम चला कि महिलाओं को चोट लगा है, तो हम हड़बड़ा के यहाँ पे पहुँचे। तो आए देखे कि करीब करीब 13-14 महिलाओं को चोट लगा हुआ है, जिसमें 4-5 लोग का कुछ फ्रैक्चर है, और ऐसा कोई सीरियस बहुत मामला समझ में नहीं। एक महिला का तो सर में चोट है। ये ऊपर वाला का फजल है कि जितना बड़ा घटना था उस अनुसार कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई बहुत सीरियस नहीं। नहीं नहीं, नहीं। जो भी है मतलब ठीक ठाक यही चल रहा है, सब लोग ठीक है, वैसा कोई सीरियस मामला नहीं है। मतलब बड़ी घटना हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन ये ऊपर वाले का। तो देखिए, मुहर्रम का टाइम चल रहा था, मिलाद हो रहा था, और उस दौरान जब छत गिरा तो कई महिलाएं उस मिलाद में अटेंड कर रही थी। और अभी सदर अस्पताल के जो वार्ड है यहाँ, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पिलावल का जो मोहल्ला है वो यहाँ पे पहुँच गया है इस घटना को लेकर। और जो मोहल्ला के आसपास जिनको ये पता चला इस घटना को लेकर, सब यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी इलाज चल रहा है यहाँ पे, और देखिए किस तरह से पूरे मोहल्लेवासी यहाँ पे आ गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा गम का माहौल है, क्योंकि महिलाएँ थी और बहुत लोगों का पैर टूटा है, क्योंकि छत गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है, हालत क्या है, क्योंकि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन यही मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन चोटें आई हैं और महिलाएं जो है उनको इमरजेंसी वार्ड में भी रखा गया, और कुछ का ट्रीटमेंट जो है अभी पीछे चलाया जा रहा है। आप, हाँ, क्या हुआ था बताइए? वहाँ पे जलसा हो रहा था। हाँ। तो जलसा कर यार, मतलब जैसे भीड़ जगह कम पड़ा ना। हाँ। तो सब हम लोग छत पे ही चले गए। हाँ। ज्यादा वजन हो गया इसके कारण छत ऊपर से सब गिर गया। ऊपर थी कि नीचे थी? नहीं, हम जा रहे थे तो एक मेरी चाची थी। हाँ। हम उनको बोले कि चलो नीचे बैठेंगे, तो वो बोली नहीं ऊपर जाएंगे। अच्छा। और जैसे हम नीचे आए छत गिर गया। तो कितने लोग थे मतलब उसमें? बहुत सारा, 100 से ऊपर ही लोग थे। हाँ, बच्चा ज्यादा था, बड़े कम थे। हाँ, जो छत ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे जो लोग थे उनको चोट लगा है कि जो ऊपर थे उनको चोट? ऊपर ही सब नीचे गिरा। नीचे कोई भी नहीं था, सब ऊपर में ही थे। ऊपर से गिरे उन्हीं को चोट लगा जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शबनम खातून। तो देखिए, शबनम जी वहीं पे थी, बता रहे हैं किस तरह से लगभग 50-100 लोग थे उस छत में, और फिर छत कमजोर था, गिरने से 13-14 लोग महिला जो हैं उन घायल हो गई हैं, और कुछ को तो काफ़ी सीरियस चोट आया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मुहर्रम में का महीना है वो एक तरह से मातम बन गया है पूरे पिलावल में। अभी 7वीं और 8वीं का जुलूस निकलना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो मिलाद में घटना हुई है बहुत ही गमगीन घटना हुई है, जैसा कि पिलावल के लोग बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।